भाई ट्रक के आगे। ओ ओ ओ ओ ओ बस कुछ महीनों तक ना ये। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल राजा डीसी। तो गाइस एक दुख खबरी बता देता हूँ, मेरे मोबाइल का वापस से टेंपर टूट गया। और भी वो क्यों टूटा है वो शबकुत को पता होगा, इसने मेरा मोबाइल चलते चलते बाइक से गिरा दिया था, बट शुक्र है बच गया यार। टूट गया था हेलमेट का, थोड़ा सा स्क्रैच हो गया था, थोड़ा था। चलो छोड़ो कोई बात नहीं, बाकी जा रहे राइड करने, कल व्लॉग नहीं कर पाए। कोशिश करते हैं कंटिन्यू व्लॉग्स करें, बट फिर भी थोड़ा बहुत बीच में काम पड़ जाता है। और शबकुत की बाइक अभी तक तैयार नहीं हुई, देख सकते हो आप, ऐसी की ऐसी है, बट एक दो दिन में हो जाएगी। तो बड़े बंदे अब आर को मिस करने लग गया, बट यार आर के ज़्यादा कमेंट नहीं आते, बट आर के ज़्यादा आते हैं। अब इस वीडियो में अगर आरएस के ज़्यादा कमेंट होंगे तो आरएस ही रहेगी, अगर आरआर के ज़्यादा कमेंट हुए तो आरएस को जल्दी ले आऊँगा मैं जाके। बाकी आरआर लाने गाइस, आप सोचते होंगे कि उनको हमेशा झूठ मारता है कि शफकत एक ही ब्रेक पे डिपेंड रहता है, तो मैं आपको बताता हूँ। ये देखो ब्रेक, मतलब ये ब्रेक ना इधर से अंदर जाके यहाँ पे फंस जाती है, और ये सच में एक ही ब्रेक के दम पे बाइक ऐसी चलाता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ ना, शफकत को हैट्स ऑफ है, V3 बॉस आपका महान है, ब्रेक है ही नहीं है यार। देखो पर चलो कोई नहीं, मिलते हैं आपको सीधा बाइक पे। गाइस निकल गया राइड पे, पहले हम जा रहे हैं V3 बॉस की बाइक की ब्रेक ठीक करवाने, देन इंश्योरेंस के लिए फोटो वगैरह भी क्लिक करनी है। वो पूरे वहाँ पे आ जाओ, तो पहले वहाँ पे जाएंगे, उसके बाद आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। तो पहले चलते हैं वहीं पे, राइड होगी आज मस्ती राइड। सो गाइस, वीडियो आगे बढ़ने से पहले आपको क्रिकएक्स ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसमें आप लाइव मैच देख सकते हो और अपनी फेवरेट टीम पे प्रेडिक्शन कर सकते हो और रियल मनी जीत सकते हो। गाइस इसमें आपको फ्री स्पोर्ट्स ट्रेडिंग आईडी मिलेगी, और इसमें कोई भी एजेंट नहीं, आप डायरेक्ट जाके साइन अप कर सकते हो। गाइस पिन कमेंट से आप साइन अप कर सकते हो, और ये वाला ऐप इंडिया और बांग्लादेश में अवेलेबल है। गाइस जो कमेंट में लिंक दिया है उसको ओपन करो, और उसमें जाके आप पूरी डिटेल जानो, और यूजर नेम में कोई भी स्पेस नहीं रखना, और ये ऐप एकदम 100% ट्रस्टेड है। गाइस यहाँ आप क्रिकेट की प्रेडिक्शन के साथ साथ और भी लाइव कैसीनो गेम्स खेल सकते हो, जैसे कि गाइस पोकर, ब्लैक जैक, लूडो जैसी 150 प्लस गेम्स है। गाइस अगर आप अपने किसी फ्रेंड को रेफर करते हो तो आपको 200 रुपीज मिलेंगे। गाइस अनलिमिटेड रेफर्स है, और आपके बर्थडे पे आपको 1000 का बोनस मिलेगा, 1.5% कैश बैक हर अवेलेबल गेम स्लॉट पर है। यहाँ पे मिनिमम डिपॉजिट है 200 का, और आप किसी भी गूगल पे या फोन पे या किसी भी UPI से डिपॉजिट कर सकते हैं, डायरेक्ट विदड्रॉ कर सकते हो आप अपने बैंक अकाउंट में विदाउट KYC वेरिफिकेशन। डिपॉजिट आपका 30 मिनट में हो जाएगा, विदड्रॉ आपका 4 to 24 hours के बीच में हो जाएगा। 24/7 कस्टमर चैट अवेलेबल है। आप इस ऐप के एफिलेट एजेंट भी बन सकते हैं, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आप उसके थ्रू जाके साइन अप करते हो तो आप हर हफ्ते iPhone 13 जी सकते हो, और गाइस डाउनलोड भी कर सकते हो। ये आपको जैसे मैंने बोला ये एक ही ब्रेक पे चलाता था, आज मैंने उसको बोला व्लॉग तब करेंगे, पहले अपनी ब्रेक ठीक करवा ली पिछली वाली, देन उसके बाद व्लॉग करेंगे। तो रईस भी आया हुआ है, बट रईस ना पीछे बैठा हुआ, उसकी बाइक उसका भाई लेके गया है। पहले मैंने बोला तेरी ब्रेक ठीक करवाते हैं, उसके बाद व्लॉग शूट करेंगे। तो जा रहे अभी डिगियाने वाली साइड राइड करते हुए जाएंगे, जैसे ब्रेक ठीक हो जाएगी उसके बाद बॉम्ब सा व्लॉग करेंगे। तो आरएस तो है ही है, बाकी बड़े बंदे आरआर को मिस कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, अगर आज की वीडियो में आरआर के ज़्यादा कमेंट आएंगे तो आरआर को जल्दी ले आएंगे, अगर आरएस के रहे तो आरएस को रखेंगे। मैं समझ नहीं आती ये बिना ब्रेक के चला कैसे लेता है यार, बिना ब्रेक के चला कैसे लेता है, एक ब्रेक हो तो यार, मेरे पास दो ब्रेक है तो फिर। ओ भाई ट्रक के आगे, ओ ओ ओ ओ लड़कियां उड़ गई थी यार, अभी पड़ गई बेइज्जती, पड़ गई बेइज्जती शफकत को। वो ट्रक ऊपर चढ़ गया था कसम से, क्या हुआ हाँ ट्रक वाला बिल्कुल ही आपके पास आ गया हुआ था, पता है। ओ ये रेस पे मूड में है, देखो गाइस ना हेलमेट वगैरह वेयर किया ना कुछ, ऊपर से शक्कर के साथ बिल्कुल ही क्रैश होने वाला था। तो देखा होगा आपने अभी, मतलब ट्रक ने एकदम से लेफ्ट ले लिया और ये दोनों बीच में फंस गए थे, बट देखने में तो लगता है कि स्किल्स है लड़की में, बचा लिया, अगर कुछ हो जाता तो भाई मुश्किल हो जाता। गाइस दो सारे सोच रहे हैं कि कुछ दिनों के बाद हम कश्मीर जाए, आज तक मैं बाइक्स पे कश्मीर तो नहीं गया हूँ, घर वालों के साथ ऐसे कश्मीर गया हूँ, बट जब मैं छोटा था तब गया, अभी तक नहीं गया हूँ, तो बाइक्स पे तो नहीं गया हूँ। तो शादाब को क्या पता कि छुट्टी मिल जाएगी, शादाब आ गया तो फिर जाऊँगा मैं भी कश्मीर, सोच रहा हूँ बाइकों पे जाऊँ। तो आप मुझे बताओ कि मैं कश्मीर जाऊँ कुछ दिनों के लिए, मतलब ब्लॉग के लिए अच्छा रहेगा वहाँ पर या नहीं,
तो ऐसे मनाली का भी सोच रहे हैं क्योंकि जम्मू में बहुत गर्मी हो रही है, तो कुछ दिन सोच रहा हूँ कहीं और पे जाके ब्लॉग शूट किया जाए। ऐसे दोस्तों के यार तो सब कश्मीर का बोल रहे हैं, तो अगर आप बताओ कि अगर आपको कश्मीर में जाके ब्लॉग्स देखने हैं, वहाँ पे आपको पता है हमारा दोस्त भाई सलमान शफी 46 भाई भी वहाँ पे ही है, जिन्होंने 390 पे आके इधर काफ़ी कोफ मचाया था, तो वो भी वहीं पे, अगर हम वहाँ पे गए उनके साथ ब्लॉग देखने को मिलेंगे। और ये बंदा मेरे को भी क्लोज़ कॉल देता है, अभी लड़की से क्लोज़ कॉल खाई ना तो पता चला, तो बाद में वो मुझे लगा इसकी बेइज्जती तो हुई होगी अच्छी खासी, मैं पीछे ही था, मैं सोचा छोड़ यार क्या मुँह लगना है। हाँ टायर भी तेरा टोटली बैठा हुआ है यार गाइस, मतलब इस बाइक की हमने इतनी बैंड बजा दी ना, टायर मतलब टोटली पंचर है फिर भी चलती है, और बॉडी की जो हालत कैमरे में तो अच्छी लग रही है आपको, बट ऐसे ना बहुत गुस्सा चढ़ता है इसको देख के, इरिटेट होता है बंदा देखो, तो ऐसे तो आपको अच्छी लग रही होगी, इसलिए हमने इसके सारे पार्ट्स न्यू मंगाए हैं, तो अब एकदम न्यू हो जाएगी ये बाइक। तो बस शॉप भी पहुँच गए हैं, मिलता हूँ आपको सीधा शॉप में जाके। करवा ली शफकत ने ब्रेक ठीक। ओए शफकत हवा भरा ले, तो निकल रहे अब यहाँ से। ये है रईस मलिक, अपनी बाइक नहीं आज लेके आया, अभी थोड़ी देर तक निकालेगा बाइक, तो इसका भाई लेके गया था, तो अभी निकल रहे। शफकत हवा भरा रहा है, पिछले टायर में हवा भी नहीं थी, भाई बोल रहे बाकी सारे पार्ट्स आ गए, बस अगला रिम रह गया, बस रिम जैसे आएगा देन उसके बाद बाइक रेडी। गाइस देखो पुलिस वाले सर ने खुद भी हेलमेट वेयर नहीं किया हुआ है, तो अब मैंने बोला शफकत को, मैं सर को बोला आगे नाका लगा हुआ है, सर को वो देखो ये बोल रहा सर आगे नाका लगा हुआ, सर बोले कोई चक्कर नहीं, और सर के वाकई भी होंगे कोई चक्कर नहीं। निकालते यार छोड़ो, देखा बोलता कोई चक्कर नहीं, अगर हम ऐसा करें ना तो हम जो अगर बोलते ना सर गलती होगी सर सॉरी अगली बारी पहन के आएंगे, ना 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 100-200 तो धोए के जाओ, ऐसे नहीं चलान तो होगा ही होगा। और खुद अभी शफकत ने बोला सर आगे नाका लगाया, बोलते कोई चक्कर नहीं, ये फ़र्क होता है। चलो अभी निकलते हैं यहाँ से, अब इसने अपनी ब्रेक भी टाइट करवा लिया, देन अपना अपने टायर में हवा भी करवा लिया, अब इसकी बाइक भाग रही है एकदम बॉम। और मुझे तो आरएस में सच में ब्लॉग करने में बहुत मज़ा आ रहा है यार, आरआर की याद तो आ रही है, बट अपने सब्सक्राइबर लोगों के लिए मैं इसी पे ही ब्लॉग्स लाऊंगा। ओ गाइस बंदे का जितना भी सर है पूरा रोड ख़राब करते हुए जा रहा है, देखो ये बस थोड़ी देर तक निकल जाएगा भाई, चेक कर ले। तो गए ट्रैफिक में रेस लग गई मेरी और V3 बोस की। ओह आते हैं इसको भी, इसके पीछे रईस बैठा हुआ है ना, रईस थोड़ा डर रहा होगा, रॉन्ग और रॉन्ग। अब जैसे ब्रेक पे ठीक करा लिया, अब कहाँ मुझे आगे निकलने देगा, एक तो इसका टायर इतना मोटा है ना पीछे से कन्फ्यूजन हो जाती है कि किस तरफ जाना है किस तरफ को नहीं जाना है। निकल गया V3 बोस आगे निकल गया। ओ भाई इसको मौका देते हैं पहले निकलने का, बस मार गया ब्रेक, अब आगे बुलाएगा। शुक्र है सिग्नल खुला हुआ था। चल 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 निकाल ना, ब्रेक क्यों मार रहा है यार। ओ ओ ओ ओ भाई हाँ केटीएम वाला भाई जा रहा है रेस करते हैं उसके साथ। भाई आज मेरे ख्याल से ट्रक वालों के साथ पता नहीं शफकत को क्या हो गया, पहले भी उसके साथ जुड़ने वाला था और अभी भी आपने देखा था ट्रक ऑलमोस्ट इसके साथ जुड़ ही गया था यार, मतलब ट्रक यहाँ पे था और शफकत ने ऐसे हाथ से ट्रक को रोका यार। माँ यार आज हुआ क्या है आपको, ट्रक के पास पास जा रहे हो? हाँ RC 200 वर्सेस RS 200, आजा सिग्नल खुला है, ओ बंद हो गया शिट। शफकत के एक तो दोस्त बड़ी जल्दी बन जाते हैं, अभी ये भैया ऐसे ही राइड कर रहे थे देखा अब शफकत दोस्त बन गया। क्या हुआ हैं वो बगा रहे, आजा भाई के साथ थोड़ी सी बगाई जाए, भाई बोलूंगा भाई आओ थोड़ी सी राइड हो जाए,
मेरे को आरएस का मजा ही आरसी 200 के साथ बगाने में आता है, मतलब टक्कर सी फील होती है। बट भाई ने ब्रेक मार दी, लगता भाई का मूड नहीं है मार साथ राइड करने का। चलो कोई बात नहीं, शफकत का तो पूरा पूरा मूड है आज। अभी हमने रेस की 390 भी लानी है। ओहो, क्या गया शफकत भी पीछे, लगी गाइस रेस। ओ शफकत का कट आपको दिखा नहीं पाया यार, मैंने भैया को बोला भैया हम जा रहे हैं, हम निकल गए यहाँ से। शफकत बोल रही है, इसका भाई बोल रहा है मेरे को आने में टाइम हो जाएगा। मैंने बोला चल ठीक है ब्रावा, पहले बोल दे। तो अब हम निकल गए हैं, तो वो नहीं आ रहा, तो हम ऐसे टाइम भी वेस्ट हुआ। तो अब हम जा रहे हैं गांधीनगर वाली साइड। रईस को भी अपने मोबाइल को कवर वो डलवाना है, टेम्पर उसका आईफोन का भी टेम्पर उतर गया। और मेरे साथ जो आपको मैंने बताया कि शफकत के साथ कल्याण हो गया मेरे आईफोन का यार वापस से, बड़ा दुख लगा। उस दिन हमने इसको 400 रुपये का टेम्पर लाया था भाई, 400 रुपये का टेम्पर, ये देखो। तो आज वापस उतर गया, स्क्रीन क्या गंदी हुई है, तो बड़ा अफसोस है। अभी कॉल आ गई पापा की यार, आज नहीं शफकत मान रहा, कसम से आज शफकत नहीं मान रहा यार, आज शफकत ओप चल रहा है। पिछली ब्रेक ठीक करवा दी इसकी, गलती हो गई ठीक करवा के। इस पहुंच गए बहू प्लाजा, तो आप बाइक बाहर लगाएंगे पहले, देन फिर अंदर जाएंगे। हाँ जी अभी बाइक लगाएंगे, दौड़ के आ जाएंगे देखना। और अभी चेंज भी नहीं है हमारे पास, चेंज क्या है मोबाइल में, इनके पास स्कैन है ही नहीं, स्कैन होगा दे देंगे। ले लूँ मैं क्या सब्सक्राइबर बोले, ले लेता हूँ। गाइस बस कुछ महीनों तक ना ये लेना है, 13 प्यार है लेना, 13 ही था बट मिल गया 12 प्रो मैक्स है। शफकत मैं लेना 13 ही था बट गलती हो गई हमसे, चलो कोई नहीं। अभी रही इसकी टेम्पर डल रहा है फोन को। गाइस दो दिन में दो टेम्पर चेंज, डल गया टेम्पर तेरे मोबाइल को डल गया। गाइस बड़ा उदास है इसके भाई ने, आज इसको बाइक नहीं दी है। शफकत बोल रहा है यहाँ पे यूट्यूब के लिए वीडियो शूट नहीं करे, यहाँ पे सिर्फ रील स्टार आते हैं, तो फिर क्या हो गया रील स्टार आते हैं। तो गाइज इसका मन बड़ा उदास है, मुंह देखो बेचारे का, आए हाय हाय इसका भाई, इसकी बाइक लेके गबन छू गायब। इसलिए अब ये निंजा 300 ले रहा है, बस कुछ महीनों में आपके पास रईस के पास निंजा 300 मिल जाएगी। सब्सक्राइब तो आप सबने करके रखा हुआ है, इसके 50 के हो गए हैं, तो इस समय पार्टी भी दे दी थी। तो अभी जा रहे हैं बाइक के पास, देन आगे का ब्लॉग कंटिन्यू। निकल रहे हैं घर, ऑलमोस्ट सारे काम कंप्लीट हो गए हैं, टेम्पर शैम्पर भी डलवाना था, बस अब टेम्पर वगैरह नहीं टूटना चाहिए। ओ शफकत ये नहीं सुधरने वाला, तो ये मैंने आपको ना जब इसकी ब्रेक ठीक होगी समझो तूफान ही तूफान है। आवाज़ सुनो बस आरएस की यार, सही में बोलता हूँ अगर ये डबल सिलेंडर बाइक होती ना आरएस, तो इसको ऐसी आवाज़ देते ना कंपनी वाले यार। सबके साथ राइड करने का मज़ा आता है यार, आगे निकलने में मैं भी निकल सकता हूँ बट इसलिए नहीं निकलता हूँ, फिर आप बोर हो जाओगे यार। मैं पीछे से इसको कवर करता हूँ कि आपको ब्लॉग देखने का मज़ा आए। बट हाँ जब कैमरा वगैरह नहीं लगाया होता तब फिर हम किसी को नहीं देखते कौन आगे कौन पीछे, तब हम निकल जाते हैं। देखो 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 कहाँ से जगह निकाली इसने, इधर से बाइक जंप खाती है बहुत तगड़ा। अरे इस इतना ऊपर उड़ा अभी यार, कितनी ऊपर उड़ा तू, मैंने वही से बसा तू गिर गया यार। वही ना मैंने वही देखा मैं, तू इतनी तेज जा रहा है यार, कम से कम स्पीड ब्रेकर तो देख। गाइस मैं तो अपनी आरआर को भूल ही गया हूँ यार, जब से मैंने ये लिया हुआ है यार आरएस, तब से मेरे को लग रहा है मेरे पास आरएस ही है। गाइस जब मैं यहाँ पे रहता था ना बचपन में, तो यहाँ पे बहुत नाका लगता था इस तरफ और उस तरफ, अभी भी लगता है
बट आजकल क्या पता कब लगता है कब नहीं। तो ये मेरी वो गलियाँ जहाँ पे मैंने स्किल्स वगैरह सीखे, यहाँ पे मेरे पास स्कूटी होती थी। मैं इनको बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे मैंने स्कूटी वगैरह सीखी थी। हाँ गाइस बोल रहा हो गया ठंडा आज, ठीक है ब्रावा, ओके 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 हो गया। जब तेरी ब्रेक होती है तब तू जी जाता है मेरे से। चल किसी दिन तू भी गोप्रो लगाना, मैं भी गोप्रो लगाऊंगा, उसके बाद रेस करेंगे। चल ठीक है, इधर से अंदर आ जा, आगे से आ। सो गाइस अब आपको मैं मिलूंगा। बस ठीक, कैसे हो? सो गाइस अब आपको मैं मिलूंगा सीधा घर जाते हुए, ठीक है? अभी इधर कुछ थोड़ा सा काम है।